नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं हूं रवि और एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं कक्षा दसवीं के पाठ्यक्रम के साथ। आओ पढ़ें आगे बढ़ें के नए अंक में। अब तक हमने कबीर और मीरा के पद यहां पर रिवाइज किया है, पुनरावृत्ति की है। मैं फिर से दोहरा दूं कि आपके शिक्षक आपको विद्यालय में बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि कहीं कुछ किसी भी प्रकार से इन वीडियो के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से आपकी थोड़ी सी सहायता हो जाती है, तो हम इस वीडियो को बनाना सार्थक समझेंगे। और वैसे भी कहा जाता है, जहां से जो मिले उसे ग्राह्य करना चाहिए, उसे लेना चाहिए। जो काम का है वो लीजिए, जो काम का नहीं है उसे छोड़ दीजिए। आइए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक बहुत बेहतरीन, महत्वपूर्ण, प्रासंगिक पाठ, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। जैसा कि इसके शीर्षक से ये चीज स्पष्ट है कि आखिर क्या बात कही जा रही है, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हम पूरे पाठ की समरी, सारांश, सार पर चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। करीब 30 से 40 मिनट में कोशिश करेंगे कि पाठ की बारीकियों को आप तक पहुंचा सके। इसका पहले शीर्षक समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, मतलब पहले ऐसे लोग थे, पहले ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से मिलते हैं जिन्हें दूसरों के दुख से फर्क पड़ता था। भाई, अब हम जब सड़क से चलते हैं तो चलते वक्त सड़क पर कोई रो रहा है, गरीब है, अनाथ है, बैठा है, तड़प रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दो लोग लड़ रहे हो, तो हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम उन्हें बचाने, उनकी मदद करने नहीं चाहते। लेखक ने, निदा फाजली साहब ने इस पाठ के माध्यम से हमें यही समझाने की कोशिश की है कि पहले की दुनिया में, पहले की सदी में, पहले के युग में ऐसा देखने मिलता था, ऐसा था कि लोगों को दूसरों के दुख से दुख होता था। लोग दूसरों के दुख से दुखी होते थे, और केवल युग पहले नहीं, करीब 50-60 साल पहले, एक 3 से 4 दशक पहले हमारे समाज में ऐसे लोग थे जो कि एक दूसरे के दुख से न सिर्फ दुखी होते थे, एक दूसरे के दुख के भागीदार बनके उनके दुख को कम करने का प्रयास भी करते थे। कहते हैं कि किसी के सुख में भले ही आप मत जाइए, लेकिन सर दुख में जरूर जाइए। निदा फाजली साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ, और CBSE को वारंवार धन्यवाद कि आप जैसी, हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए, आप जैसी भावी पीढ़ी के लिए इस पाठ को CBSE के अंतर्गत रखा हुआ है। क्योंकि यदि इस पाठ को पढ़ करके यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका महत्व क्या है, तो माफ करें, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आप चूक रहे हैं। यहां पर निदा फाजली साहब ने इस पूरे पाठ के भीतर में हमें दूसरों के दुख से क्यों दुखी होना चाहिए या दूसरों के दुख में क्यों शामिल होना चाहिए, इसके बारे में तो बाद में बताया है। पहले तो हमें इस सृष्टि निर्माण के बारे में, इस संसार के बारे में समझाने की कोशिश की है। निदा फाजली साहब का जन्म कब हुआ, यह आपको किताब के माध्यम से पाठ प्रवेश के भीतर लेखक के परिचय के अंतर्गत मिल जाएगा। आप सारी चीजें वहां से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे सीधे पाठ प्रवेश पर चलते हैं। पाठ प्रवेश के माध्यम से हम और आप समझेंगे कि किस तरह से लेखक ने इस पूरे पाठ के भीतर में बात की है। निदा फाजली साहब ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो ये धरती है, यह धरती हर किसी के लिए, इस समाज में, धरती पे जितने भी लोग हैं ना सर, हर किसी की बात लेखक ने की है कि कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, पशु पक्षी के लिए, कीट के लिए, मकोड़े के लिए, जितने भी लोग हैं, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, हर किसी के लिए बनाई है। लेकिन इंसान नाम का जो एक जीव है, उसने पूरी धरती पर अपना कब्जा कर लिया है। बस लेखक हमें यही समझाने के लिए, बताने के लिए इस पूरे पाठ को लिखते हैं।
निदा फाजली साहब, जो कि इस पाठ के माध्यम से आपको सिर्फ संदेश नहीं दे रहे, आपको आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति ने यह धरती सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए बनाई है। इस प्रकृति पर, इस सृष्टि पर, इस दुनिया में सभी का बराबरी का स्थान है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, नदी हो, तालाब हो, इंसान हो, चींटी हो, हाथी हो, शेर हो, पक्षी हो, जिन्हें हम नहीं पहचानते वो हो, लेकिन इंसान ने, आदमी ने इस प्रकृति पर बिल्डिंग बना करके, अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य करके पूरी धरती को कब्जा कर लिया है, जैसे कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। ओनली ह्यूमन विल, केवल ह्यूमन ही, केवल आदमी ही, केवल इंसान ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हम जंगलों को काट करके जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी सोसाइटी बना करके तालाबों को, समुद्र को, नदी को पीछे धकेल रहे हैं। लेखक निदा फाजली की ये चिंता है, ये दुख है कि भाई इस पर जो अन्य लोग हैं उनका क्या होगा। अगर इतना ही होता रहा तो यहां इस संसार में, सृष्टि में, आपने पता पढ़ा होगा कि डायनासोर एक प्रजाति थी जो विलुप्त हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि कल चल करके इस सृष्टि के बहुत सारी चीजों का हम खो दें। जैसे हम और आप अलग अलग प्रकार के उदाहरणों से एक दूसरे को बताते हैं, अरे इसका पानी बचाइए, हवा प्रदूषित मत कीजिए, धरती को गंदा मत कीजिए। सर ये सब गंदा बाद में और बचाना बाद में, पहले इनके महत्व को समझिए। तो इसके भीतर में, इस पूरे पाठ के भीतर में जो पाठ प्रवेश है, उस पाठ प्रवेश में देखेंगे तो लेखक ने ये बताया हुआ है कि ये जो धरती है, ये धरती सभी के लिए बराबरी की है। देखिए इसके अंदर में लेखक ने ये कहा है कि तमाम जीवधारियों के लिए है, इतना भर यदि होता तो ठीक थी, गनीमत होती। आदमी ने सब कुछ समेट करके रख लिया है, अपना बना लिया है, उसे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास के लोगों को वो याद नहीं करता, इसलिए इस पाठ का जन्म होता है, इस पाठ की शुरुआत होती है। और लेखक ने इस पूरे पाठ के भीतर में कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश की है। आइए पाठ के भीतर प्रवेश करते हुए वो उदाहरण जो लेखक ने दिए हैं उनके साथ आपको जोड़ते हैं। सबसे पहला, पाठ जब शुरू हो रहा है तो लेखक ने तीन कहानियों का जिक्र किया है, तीन छोटी छोटी कहानियां। एक बाइबल के सुलेमान की कहानी है, दूसरा लेखक ने सिंध भाषा के महाकवि शेख अयास के बारे में बताया है, और एक पैगंबर साहब की कहानी है। इन तीन कहानियों के माध्यम से लेखक हमें मानवता सिखाना चाहता है, लेकिन हम लेखक पर हंसते हैं। मेरे विद्यार्थी, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कक्षा में इस बात को लेकर के हंसते हैं कि कोई इनके जैसा कैसे हो सकता है, पर साहब माफ करिएगा, लोग इनकी तरह थे, ऐसा लेखक का मानना है। भले ही लेखक ने ये कहानी बनाई हो, लेखक ने ये किस्सों के आधार पे आप तक पहुंचाया हो, बताया हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस्से, ये कहानियां आपको मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेंगी कि आप अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की वस्तुओं का, अपने आसपास के जीवों का सम्मान कर सके, आप उन्हें जगह दे सके, आप उनकी कद्र कर सके। पहला जो किस्सा लेखक ने बताया है वो ये है कि सोलोमन नाम का, बाइबल के भीतर एक सोलोमन नाम का शख्स है, एक किरदार है, कैरेक्टर है, पात्र है, जिसे कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व ये बादशाह थे। कहा ये गया है कि ये केवल इंसानों की ही भाषा नहीं समझते थे, पशु पक्षी हर किसी की ये आवाज सुन करके उसकी भाषा को समझते थे, ये भाषा समझते थे। गौर करना, यानी कि चींटी क्या कह रही है, शेर क्या कह रहा है, बकरी क्या कह रही है, कुत्ता क्या कह रहा है, ये सबकी बात को समझ करके उसे रिप्लाई भी करते थे। लेखक ने यहां पर इसका जिक्र क्यों किया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसलिए कि हम और आप सड़क पर चलते हुए जब गाड़ी को 180 150 की स्पीड में चलाते हैं, 100 की स्पीड में चलाते हैं,
सड़क पर यदि कुत्ता आ जाए, बकरी आ जाए, उड़ा के निकल जाते हैं। सर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, जीव प्रेम नहीं है। हमें सिर्फ इंसानों को पैसे से प्रेम है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी से प्रेम है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट से प्रेम है। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि सुलेमान नाम के एक शख्स थे जिन्हें कुरान में सुलेमान और बाइबल में सुलेमान कहा गया है। वो जब एक बार जंगल से गुजर रहे थे अपने लश्कर के साथ में, लश्कर का मतलब है पूरी टीम लेकर के जा रहे थे। जब राजा जाता है तो आपने देखा होगा कि जब आज प्रधानमंत्री जी चलते हैं या कोई और चलता है तो एक पूरी टीम चलती है, उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल चलता है, सिक्योरिटी चलती है, लोग चलते हैं। तो जब वे अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ चींटियों ने उनके टापों की, घोड़ों के टापों की आवाज को सुना। घोड़ों के टापों की आवाज मतलब घोड़ों के पैरों से निकलने वाली आवाज, और एक दूसरे से कहा, अरे जल्दी जल्दी अपने अपने बिलों में छिप जाओ, फौज आ रही है। भाई सड़क से आपकी भाषा में समझाते हैं कि यदि आपके कॉरिडोर में, स्कूल के पैसेज में, कॉरिडोर में प्रिंसिपल की अचानक एंट्री हो जाए तो नहीं, ए जल्दी जल्दी अपनी अपनी क्लासेस में घुसो, प्रिंसिपल आ रहे हैं। द प्रिंसिपल इज द वेरी खतरनाक प्राणी इन द स्कूल। ठीक उसी तरीके से सुलेमान के आने की सूचना को प्राप्त करते ही चींटियों ने एक दूसरे को अलर्ट कर दिया, अलर्ट, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, अपने अपने फौज, अपने अपने बिलों में छिप जाओ। क्यों छिप जाओ? वरना घोड़ों के टापों के नीचे आकर के मर जाओगे। लेकिन सुलेमान ने ये बात को सुन लिया। जब सुलेमान ये बात सुनता है तो वो रुक जाता है, और रुक करके वो कहता है कि घबराओ मत, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है मतलब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां पर आया हूं, मुझे सबकी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं जो तुम मुझसे डर करके भागना चाह रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं जो मुझसे छिपना चाह रहे हो। उसने कहा कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, सर मैं मुसीबत नहीं हूं, मैं मोहब्बत हूं। बहुत गौर करने लायक लाइन है, और इसे आपको परीक्षा के लिए न सिर्फ याद करना है, याद करने के साथ में इसको कोट करिए कि सुलेमान ने क्यों कहा कि मैं मुसीबत नहीं हूं, मैं मोहब्बत हूं, मैं तुम्हें खत्म नहीं करने आया, तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें पहले जाने दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चींटियों ने ईश्वर से उस सुलेमान के लिए दुआ मांगी और मंजिल की ओर बढ़ गए। कहानी सीख क्या देती है? यदि आपको आज कोई ये कहानी सुना दे तो आप बोलोगे हेड खटिया सी है, क्या फैंटेसी है, ऐसा कैसे होता है, चींटी की आवाज को कोई राजा सुनेगा? एंड राजा रुकेगा चींटी के लिए? इम्पॉसिबल, असंभव। लेकिन ये संभव लेखक के अनुसार कहानियों के आधार पर था। भले ये कहानी आपको कल्पना लगे, भले ये कहानी आपको एक झूठी घटना लगे, लेकिन इसकी सीख महत्वपूर्ण है कि हमें छोटे से चींटी का भी सम्मान करना है, हमें अपने आसपास के हर प्रकार के जीव का सम्मान करना है। इंसान हो तो इतराओ मत, बस लेखक आपको यही चेतावनी दे रहा है। आगे बढ़ते, दूसरी जो छोटी सी कहानी उन्होंने दी हुई है, उस दूसरी छोटी सी कहानी के भीतर में उन्होंने महाकवि शेख अयाज की बात की है। सर ये जो कहानी है बच्चों, जो ये कहानी है, इसको सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भारत भारत तेरी की ऐसी कौन सी कहानी है, आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसी कहानी सिर्फ एक मजाक हो सकती है, इससे बड़ा मजाक शायद आज तक आपके साथ किसी ने नहीं किया होगा। लेखक कहते हैं कि ऐसी ही एक घटना का जिक्र महाकवि शेख अयाज की आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है जो अपने ही बारे में, अपनी जीवनी के बारे में लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहा करके लौटे। अब कुएं से नहा करके इसलिए लौटे क्योंकि उस समय पर्सनलाइज्ड वॉशरूम नहीं होते थे, इसलिए वे कुएं से नहा करके लौटे, माँ ने भोजन परोसा।
आपकी तरह नहीं थे कि 4 दिन से नहाए नहीं और बिना नहाए खाना खा लेंगे, तो वे बकायदा नहा वहा करके आए। उन्होंने आकर के भोजन परोसा। जब माँ ने भोजन परोसा तो उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर का मतलब होता है निवाला, जैसे ही पहला बाइट लिया उनकी नजर अपनी बाजू पर चली गई। बाजू पर गई और वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। काला चोटा रेंग रहा था, चोटा चींटी का मेल वर्जन, ठीक है। तो भाई एक ने चींटी के लिए और दूसरे ने चोटे के लिए, वो चोटा रेंग रहा था, वह भोजन छोड़कर के उठ खड़े हुए। माँ, भाई आपके पापा यदि खाना खाते हुए अचानक से उठ करके खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? माँ पूछेगी, क्यों खाना अच्छा नहीं बना? उन्होंने क्या कहा? बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि, माँ ने पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज कहते हैं, नहीं ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। जो चोटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था, जो चोटा उनके साथ गलती से उस कुएं से वहां तक आ गया था, घर को बेघर कर देने का मतलब है किसी से किसी का घर छीन लेना। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को बेघर कर दिया है, और वे तुरंत वहां से उठ करके उस बेघर को कुएं पर छोड़ने के लिए चले गए। कितनी मजाकपूर्ण कहानी लगेगी। यदि कोई किसी को बताएगा तो बोलेगा कि कोई अरे चींटे को घर से, पता नहीं ऐसे तो आपके कपड़ों के साथ, आपकी गाड़ी के साथ, आपकी न जाने कितनी चीजों के साथ कौन कौन से प्राणी कहां से आपके घर में आ जाते होंगे, आप तो ध्यान भी नहीं देते हो। लेकिन लेखक के पिताजी महाकवि शेख अयाज जो हैं, महाकवि शेख अयाज जो हैं, वो खड़े होकर के उस चिमटे को घर छोड़ करके आने की बात कहते हैं। फिर से मैंने कहा, कहानी आपको कैसी भी लगे, कहानी आपको किसी भी रूप में लगे, कहानी का अर्थ समझना है। अर्थ समझने का मतलब ये है कि इसके पीछे का भाव समझिए कि लेखक आखिर इस प्रकार से जीव प्रेम, जीव प्रेम का मतलब होता है हर एक प्रकार के पशु के प्रति, पक्षी के प्रति, जीव के प्रति उसका प्रेम रखना। सर यही बच्चों, यही चीज लेखक हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं हमें हर किसी का रिस्पेक्ट करना है, हमें हर किसी के महत्व देना है, हर किसी का ध्यान देना है। अलग अलग तरह की चीजें आपने दी हैं, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तीसरी छोटी सी कहानी का जिक्र जिसमें उन्होंने किया हुआ है, उसमें लेखक ने यह बताया हुआ है कि बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में जो पवित्र ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके भीतर एक पैगंबर साहब का जिक्र आता है। उनका नाम, असली नाम लश्कर था ऐसा कहा जाता है। इसमें भी एक कहानी है। कहानी यह है कि उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को देख लिया, कुत्ते को चोट वोट लगी होगी, उसे देख लिया, और देखने के बाद में एक जो जख्मी कुत्ता था वो उनके सामने से आकर के गुजरा, तो नूह साहब ने उसको दुत्कारते हुए, नहीं आपके सामने से कुत्ता आ जाए गंदा सा, घिनौना सा, मरियल सा, मरा सा, बदबू आ रही होगी, कीचड़ में नहा करके लौट करके आया है, कीचड़ में नहाया हुआ है, छी दुर्गंध आ रही है, उसकी दुर्गंध से आप बचने के लिए क्या करोगे? उसकी दुर्गंध से बचने के लिए आप उसे दुत्कारोगे। भाई किसी के पैर में कीचड़ लगा है, कोई गंदा सा गोबर लगा हुआ पैर में, छी बदबू आ रही है, और आप उसके पास जाओगे क्या? नहीं ना, छी जाओ पहले नहा के आओ, पैर धोकर के आओ, छी गंदा कहीं का। तो उन्होंने दुत्कारते हुए उस कुत्ते को कहा, दूर हो जा कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा गया, इस्लाम जो धर्म है उसमें कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो कुत्ते ने उनके दुत्कार को सुना, अगेन कुत्ता उत्तर दे रहा है, पहले इसमें चींटी बोल रही है, दूसरे इसमें चोटे के लिए वो बंदा खाना छोड़ के चला गया, एंड द थर्ड वन कुत्ता बोलता है, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। द पॉइंट इज, द मीनिंग इज, इसके पीछे का अर्थ ये कि मैंने कोई लॉटरी से चिट्ठी नहीं निकाली कि मुझे कुत्ता बना दो, और तुमने कोई लॉटरी नहीं दी या रिश्वत नहीं दी कि तुम्हें इंसान बनना है। हम सबको बनाने वाला एक है ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, जिसको जिस रूप में देखना है देखो, बस हम सभी को बनाने वाला एक है, वह ईश्वर। कुत्ता ये कह रहा है, कुत्ते के पीछे के, कुत्ते के कहने के पीछे के अर्थ को समझिए। मैं फिर से कह दूं,
कहानी पर जितना हंसना है हंसी है, कि कुत्ता कैसे बोल सकता है, और कुत्ता बोलेगा तो लेखक जो नू साहब है वो समझेंगे कैसे। लेकिन अर्थ समझिए, उसके पीछे का भाव समझिए। आपके पिताजी जब आपको कोई घटना सुनाते हैं तो आप ये नहीं बोलते हैं, अरे पापा आई कांट बिलीव दिस, आप ये नहीं बोलते, आप बोलते हैं हाँ। ठीक उसी तरीके से हमें इसके पीछे के भाव को समझना है। भाव मीनिंग क्या है? कोई अपनी मर्जी से कुत्ता, इंसान, पशु, पक्षी कुछ नहीं बनता, सबको बनाने वाला कोई और है। आप अपनी मर्जी से रिश्वत देकर के नहीं आए हो इंसान बन करके, मैं अपनी मर्जी से इंसान नहीं बना हूं। सड़क पर चलने वाली गाय, कुत्ता, भैंस, बैल, किसी ने कुछ नहीं किया कि उसे बनना पड़ा। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। कई बार ये चीज समझने में भूल हो जाती है कि यहां पर लेखक ने तीन उदाहरणों को क्यों दिया है। आपको केवल ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, कि इन उदाहरणों से लेखक आपको ये समझाना चाहता है कि एक समय था जब लोग हर प्रकार के जीवधारियों की मदद करते थे, उनके दुख को समझते थे, और उनके साथ अपने जीवन में उनका बराबरी का स्थान था। पर आज की दुनिया में बाप बेटे का सगा नहीं है, बेटा बाप का सगा नहीं है, दोस्त दोस्त का सगा नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी का सगा नहीं है। केवल आप यदि ईमानदारी से किसी का इज्जत करते हैं तो पैसा, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, क्रेज, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। इंसान को इंसान की इज्जत नहीं रही तो आप कुत्ते की, चींटी की, चोटे की इज्जत कैसे करोगे? गोद में लेकर के कुत्ते को प्यार करना, मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर हम तो कुत्ते को गोद में लेके प्यार करते हैं। कुत्ते को, पाले हुए कुत्ते को गोद में लेकर के प्यार करना अलग चीज है, और सड़क पर चलते हुए कुत्ते के ऊपर से गाड़ी चला देना, उसे दुत्कार देना, ये अलग चीज है। लेखक कह रहे हैं कि मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान। मिट्टी का मतलब यहां पर है हमारे शरीर जो है ये मिट्टी के समान है। हिंदू धर्म में हो तो जला दिए जाओगे, मुस्लिम धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो तो दफना दिए जाओगे। अंत में आपके शरीर पर, चाहे वो इंसान का शरीर हो, चाहे वो जानवर का शरीर हो, चाहे वह पशु पक्षी किसी का भी शरीर हो, अंत में मरने के बाद मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। और मिट्टी में बन करके कौन अमीर था, कौन गरीब था, कौन सिकंदर था, कौन क्या था, सब खत्म, खो के सभी निशान। कितने सुंदर हो आप मिट्टी में मिलने के बाद, आप मिट्टी को नहीं बोलोगे मैं तो माधुरी दीक्षित सा खूबसूरत हूं, बहुत खूबसूरत थी हूं, मैं इस काली मिट्टी में नहीं मिलूंगी, सॉरी टू से आपको उसी मिट्टी में मिलना पड़ेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि जितने भी आपकी, आपको खुद पर इतराने के निशान आपने बना लिए हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किसमें कितना कौन है, किस व्यक्ति में कौन कितना है, इसके बारे में आप खुद नहीं तय करेंगे, खुद नहीं जज करेंगे किसमें कितना कौन है। सर कैसे हो पहचान, अरे कैसे पहचानोगी कौन किसमें कितना है। नूह ने जब इस बात को सुना तो कहते हैं कि वे लगातार रोते रहे, और इसी कारण से इसमें कुत्ते का जिक्र आया है। कुत्ते के बारे में एक और चीज की महाभारत में, ये एमसीक्यू के लिए सर याद करके रख लेंगे, बच्चा पार्टी इसको अच्छी तरह से याद करके रख लेंगे कि महाभारत में युधिष्ठिर के साथ में अंत तक चलने वाला जो व्यक्ति, प्रतीकात्मक रूप में व्यक्ति नहीं, जो जीव उनके साथ में कुत्ता नजर आता है प्रतीकात्मक रूप में, सिम्बॉलिक वे में, वह कुत्ता होता है। जब सारे साथ छोड़ देते हैं, भाई बहन, पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार, सब खत्म हो जाते हैं, तब भी कुत्ता आपका साथ देता है, यानी प्रतीक है, सिंबल है कि कोई तो है सृष्टि में, संसार में, जो आपकी मदद के लिए खड़ा होता है। तो यहां पर ये जो तीन कहानियां हैं, ये तीन कहानियां आपको इसलिए दी गई हैं कि इन तीन कहानियों के माध्यम से आप समझ सके पाठ को, पाठ के माध्यम से कि अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। यदि आपको प्रश्न आ जाए कि
लेखक की किन बातों से ये स्पष्ट होता है कि अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, और पहले लोग दूसरों के दुख से दुखी होते थे, या शीर्षक स्पष्ट कीजिए, तो सिंपल सरल सा उत्तर है, लेखक ने तीन कहानियां बताई है जिन तीन कहानियों से स्पष्ट होता है कि पहले लोग एक दूसरे के दुख से दुखी होते थे। पहले लोग चींटी की, चोटे की और कुत्ते की कहानी पर के दुख पर भी दुखी हो जाते थे, लेकिन आज इंसान को इंसान से फर्क नहीं पड़ता, इंसान को समुद्र के बढ़ते स्तर से फर्क नहीं पड़ता, ग्लोबल वार्मिंग से फर्क नहीं पड़ता, इंसान को पेड़ कटने से फर्क नहीं पड़ता, इंसान को बस केवल अपनी लग्जूरियस लाइफ चाहिए, उससे अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ते उन्होंने आगे कहा हुआ है, जो आगे इसके आगे का पार्ट है, आगे का जो उसका भाग है, उसके भीतर में लेखक कहते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, आदि कई अलग अलग प्रकार के धार्मिक ग्रंथ कहानियां बताएंगे, बहुत चीजें करेंगे, लेकिन पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, इन सबकी इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस धरती पर सब बराबर की हिस्सेदारी है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि लेखक ने यहां पर क्या कहा है। कहा है कि पंछी, मानव, पशु, समुद्र, पर्वत, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, लेकिन मानव जाति ने अपनी बुद्धि से दीवारें खड़ी कर दी है। दीवार खड़ी करने का मतलब ये है, बिल्डिंग्स बना देना, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट वर्क कर देना, उसके ऊपर ब्रिज बना देना, जंगल को काट देना। पहले पूरा जो संसार था एक परिवार की तरह था, लेकिन आज टुकड़ों में बट करके इसे हमने बांट दिया है, हमने बाउंड्री बना दी है, हमने बाउंड्रीज में अपने आप को सीमित कर दिया है। पहले बड़े बड़े दालानों में घर हुआ करते थे, आंगन होते थे, आज हमारे घर छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमट गए हैं। जब आप मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा, कलकत्ता, जब यहाँ पे यहाँ जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, मैं भी हाल ही में मुंबई जाकर आया, एक बिल्डिंग देखी मैंने, कुल 70 के आसपास उसके फ्लोर थे, जब हम गाड़ी से देखते हैं इतना छोटा सा घर। पहले के घर में खुशियां होती थी, अपनापन होता था, पड़ोसियों से प्रेम था, लेखक कह रहे हैं वो सब कुछ खत्म हो गया, हमने उस घर के भीतर अपने आप को सिमटा दिया है, हमने अपने आप को सीमित कर दिया है, हमें दुनिया से अपने आप को काट लिया है, हम केवल फोकस्ड हो गए हैं अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी दुनिया में जीने लगे हैं। पैसा, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेखक कह रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। मैं मुंबई जाकर आया, मैंने इसीलिए कहा कि जब आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में समुद्र के किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीमेंट के वो बड़े बड़े सीमेंट की बड़ी बड़ी वो दीवारें बना दी गई हैं। हमने समुद्र को पीछे सरकाया है। यदि आपके बेसिंग में या घर में कहीं लीकेज हो तो आप पानी को पीछे सरकाते हैं, पीछे सरकाते हैं, पीछे सरकाते हैं, लेकिन जब तक आप लीकेज बंद नहीं करेंगे, पानी जमा होगा और अचानक से पूरे घर में फैल जाएगा। लेखक यही बता रहे हैं, हमने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, बारूद की विनाश लीला वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाश लीला मतलब हम तोप चलाते हैं, हम बंदूक चलाते हैं, हम अलग अलग प्रकार से एक देश से दूसरे देश पर अटैक करते हैं। ये सब क्या है? ये एक दूसरे के बारे में, इस समाज को, इस सृष्टि को बर्बाद करने का तरीका है। हम पहले प्रेम से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, आज हम बारूद की नोक पर एक दूसरे को रखते हैं। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है, बेवक्त बरसात होती है, जलचला आता है, सैलाब आता है, तूफान आता है, नित नए रोग आते हैं। मैं जब पिछले 2 साल से, तो विशेष रूप से मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोरोना, डेंगू, ये जो बीमारियां हैं, लेखक ही समझाना चाह रहा है। यदि आपको प्रश्न आ जाए कि लेखक ने कौन कौन से उदाहरण देकर के सृष्टि परिवर्तन की बात कही है, असंतुलन की बात कही है, जो बैलेंस बिगड़ने की बात कही है, वो यही उदाहरण है कि हम बारूद की विनाश लीला कर रहे हैं। अब गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, बरसात में गर्मी पड़ती है,
और बरसात में बरसात नहीं होती, ठंडी में बरसात होती है, और ठंड में गर्मी सर्दी बरसात मिक्सचर हो चुका है, बेमौसम बरसात, तूफान आ जाना, अभी अभी भूकंप आया है एक बहुत महत्वपूर्ण देश में, भूकंप आकर के सब कुछ तबाह कर गया, करीब 40,000 लोग मर गए, उत्तराखंड हिमाचल जो पर्वतीय क्षेत्र है यहां पर खुदाई, समुद्र ने पेड़ों की कटाई, इन सबसे हमने धरती के बैलेंस को बिगाड़ दिया है। यदि आप सामान्य ज्ञान अच्छा रखते हैं तो उत्तराखंड का जोशी मठ, वहां पर धरती बैलेंस खो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नित नए रोग, कोरोना जैसे रोग, सब पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ये सब परिवर्तन के, प्रकृति के परिवर्तन और असंतुलन के कारण के उदाहरण है। यदि आपको पूछे कि असंतुलन के उदाहरण कौन से दिए गए हैं तो इनका जिक्र जरूर करना है आपको। और मैं जब ये पाठ पढ़ाता हूं तो मैं विशेष रूप से मेरे बच्चों को कहता हूं कि ये पाठ केवल और केवल आपके पढ़ने और समझने के लिए तो नहीं है, बहुत सिंपल, ये पाठ आपके जीवन में उतारने के लिए है। कल चल करके जब आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, कल चल करके आप एक महत्वपूर्ण नागरिक बनेंगे, तो सर आपको याद रखना है कि पृथ्वी हर किसी के लिए है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, यदि आप काट रहे हो तो उसको सही वक्त सही चीज को करिए, ज्यादा गर्मी, बेवक्त बरसात, सैलाब, तूफान आदि, ये सब नुकसान आपके लिए कर रही है। लेखक ने आगे उदाहरण दिया है प्रकृति के गुस्से के बारे में। यदि आपको प्रश्न आता है कि लेखक ने प्रकृति का गुस्सा कैसे बताया है, तो सर उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है मुंबई का। मुंबई के भीतर में कई साल पहले ऐसा हाल था कि लोग अपने अपने खुदाओं से, प्रार्थना स्थल, पूजा स्थल पर जाकर के अपने खुदा से अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। सर क्यों? वो इसलिए क्योंकि लोग डर गए थे। क्यों डर गए थे? कि समुद्र को पीछे धकेलने के कारण समंदर सिमटता जा रहा था, उसने पहले अपनी टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठा, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठा, फिर खड़ा हो गया, जब खड़े रहने की जगह नहीं पड़ी, उसे गुस्सा आया, उसने गुस्से में आकर के सब कुछ उठा के फेंक दिया, मतलब पहले लेटा हुआ, फिर उसने अपने आप को, अपने पैरों को ऐसे सिकोड़ा, पहले सिकोड़ने के बाद फिर और बेचारा ऐसे करीब आके बैठा, कितने देर तक ऐसे बैठता, तुम्हारी ऐसी कि तरसी धड़ाम करके उसने अपने हाथ पांव खोल दिए और समुद्र में जितनी भी चीजें थी सब एक एक कोने में जा करके गिर गई। लेखक ने क्या उदाहरण दिया है? लेखक ने उदाहरण दिया हुआ है कि उसने तीन चीजों को, देखिए, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते तीन जहाजों को उठाकर बच्चों के गेंद की तरह तीन दिशाओं में फेंक दिया, एक वर्ली के समुद्र के किनारे जाके गिरा, दूसरा बांद्रा के किनारे जाके गिरा, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर जाके टूट फूट करके सैलानियों के लिए नजारा बन गया। सैलानी का मतलब होता है टूरिस्ट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लेखक ये बता रहे हैं, पहले हमारे समाज में हम कितने अच्छे से रहते थे, हमने समुद्र को जब पीछे सरकाया तो समुद्र ने पहले अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर पीछे सरकाया, फिर संभालने की कोशिश की, फिर जिसे पीछे सरकाया, तुम्हारी ऐसी कि तैसी, मेरे से अब नहीं होता, उसने तुरंत अपना गुस्सा दिखाया और उठा करके सब कुछ जो उसके ऊपर था उठा के फेंक दिया। लेखक कह रहे हैं ये एक प्रकार की चेतावनी थी। अब लेखक ने यहां पर अपनी माँ का उदाहरण दिया है। हमने बचपन में, मेरे पिताजी कहा करते थे, आपके घर पे आपकी दादी नानी अन्य लोग कहा करते होंगे, शाम के वक्त को पेड़ों की पत्तियों को मत तोड़ो, आप परिंदों को, परिंदे मतलब जो आपके पंछी हैं, उन्हें आप तकलीफ मत दो। तो लेखक की माँ उन्हें कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ती मत तोड़ो बेटा, पेड़ रोते हैं, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होकर के खुश होता है, कबूतर को सताया मत करो, वे हजरत मोहब्बत के, मोहम्मद के अजीज हैं, अजीज का मतलब होता है प्रिय, लेखक मुसलमान है तो उन्होंने हजरत मोहम्मद का जिक्र किया है, उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है, मुर्गे को परेशान मत किया करो, वह मुल्ला जी से पहले उठ करके सबको उठाता है और जगाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका ये अर्थ है
कि पेड़ पौधे नदी तालाब हर किसी का रिस्पेक्ट करिए, लेखक ये बता रहे हैं, लेखक की माँ उन्हें ये सीख दे रही है। प्रश्न आ सकता है कि लेखक की माँ ने उन्हें क्या सीख दी, तो लेखक की माँ ने उन्हें सीख दी मेरी तरह जैसे मैं आपको दे रहा हूँ कि पेड़ों का सम्मान करिए, पत्तियों का सम्मान करिए, दरिया पर जाओ, नदी पर जाओ, तालाब पर जाओ, समुद्र पर जाओ तो उसे सलाम करो, रिस्पेक्ट अबाउट एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग। कबूतर को सताओ मत सर, आपकी आदत होती है ना कुत्ते की पूंछ पे हाथ मार के निकल जाना, बिल्ली को मारना, तो कह रहे हैं कबूतर को सताओ मत। उन्हें अपनी मजार पर हजरत मोहम्मद साहब ने इजाजत दी है कि आप यहाँ घोंसला बना सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो। मुर्गों को परेशान मत करो, मुर्गों को तो अल्लाह ने अजान देने के लिए एक मुल्ला जी से पहले उठ करके अजान देने की बात कही है। लेखक ने यहाँ पर एक पंक्ति का प्रयोग किया है, एक शेर का प्रयोग किया हुआ है जो कि यह है कि कहाँ गई सर पंक्ति, कहाँ गई, ऐसे में लिख लेते हैं, आ जाओ सर, हटाना पड़ेगा। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मंदिर जाए मौलवी, मस्जिद जाए सॉरी मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए की। लेखक सर हमको बताना चाहते हैं, लेखक हमें समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? लेखक ये बताना चाहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, सबकी पूजा एक सी, सब हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के हो, पूजा एक सी है। आप एक ही ईश्वर को याद करते हो, तरीके अलग हैं। तरीका मतलब रीत, रीत यानी तरीके अलग अलग हैं। मस्जिद जाए मौलवी, मौलवी मस्जिद में जाकर के अपनी अजान अदा करता है आदि चीजें, कोयल गाती है गीत, ये कोयल का काम है। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि हर किसी को सृष्टि में अपना अपना काम करने का मौका मिला है और वे अपने अपने काम को करते हैं। उसके बाद लेखक ने यहाँ पर अपनी माँ का उदाहरण दे करके, अपनी माँ के उदाहरण के माध्यम से हमें ये समझाया है कि लेखक कह रहे हैं कि मेरी माँ के साथ में एक घटना घटी और वो घटना ये थी कि वे जिस घर में रहते थे उस घर में रोशनदान थे, वेंटिलेशन जो होता है, उसमें कबूतर का एक जोड़ा रहता था और वह जो जोड़ा था वह जोड़े के भीतर कबूतर घोंसला बनाने के बाद में अंडा दिए थे। एक बार बिल्ली ने उचक करके एक अंडे को तोड़ दिया, जब उनकी माँ ने देखा तो उनसे दोनों दुख हुआ, उन्होंने स्टूल पर चढ़ करके दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से कोशिश कोशिश में वह दूसरा अंडा हाथों से गिर करके टूट गया। कबूतर जब उनके बच्चों को, उनके अंडों को नहीं देख पाए, जब अंडों के नुकसान को कबूतर ने देखा तो कबूतर फड़फड़ा रहे थे, कबूतर दुखी थे, कबूतर परेशान थे। कबूतर के उस दुख को लेखक की मां ने महसूस किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और इस गुनाह की, गलती की माफी मांगने के लिए अपने खुदा से उन्होंने पूरे दिन भर का रोजा रखा। रोजा मतलब व्रत रखा, दिन भर कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, अल्लाह से माफी मांग रही थी कि मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, मेरे इस गुनाह को माफ करवाइए, क्योंकि मैंने किसी के बच्चों को होने से पहले ही उन्हें जान से मार दिया है। जबकि लेखक की माँ का इंटेंशन कुछ और था, वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन बचाते बचाते भी जब उसके हाथ से वो अंडा टूट गया तो इसमें अर्थ ये है कि लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि लेखक की माँ के भीतर में कितना संवेदनशीलता है, कितनी भावुक है, माफी का भाव उनके अंदर है जो इंसानों में नहीं है। अब लेखक ने इसे क्यों बताया, इस उदाहरण को क्यों दिया है, अर्थ ये है लेखक ने अपनी पत्नी के साथ में इसकी तुलना कहीं ना कहीं की है, क्योंकि पत्नी जब वे मुंबई के जिस घर में रहते हैं उस घर में कबूतर आते हैं तो उन कबूतरों से परेशान होकर के उनकी पत्नी ने खिड़की पर जाली लगा दी है, धक तरी के तुम आओगे नहीं मेरे घर में, रोज आते हो, टट्टी पोटी करके चले जाते हो, खराब कर देते हो, गंदगी कर देते हो। लेकिन लेखक की माँ उस पीढ़ी की है, उस जनरेशन की है जो दूसरों के दुख को समझते हैं,
लेखक की पत्नी शायद उस जनरेशन की है जो दूसरों के दुख को समझ नहीं रही है। इसलिए लेखक कहते हैं, लेखक ने यहाँ पर कहा है कि ग्वालियर से दूर बंबई में, हाँ यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो छूट गया, लेखक का जो पहला घर था, लेखक का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, याद रखेंगे एमसीक्यू में आ सकता है। तो लेखक ग्वालियर से बंबई शिफ्ट हुए, लेखक जो है निदा फाजली वे बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, फिल्मों में गीत लिखते हैं, तो बंबई जाएंगे। अब जब वे बंबई शिफ्ट हो गए, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब वे यहां आए थे तो पहले जंगल था, जंगल था तो पेड़ थे, पेड़ थे तो परिंदे थे, परिंदे थे तो दूसरे जानवर भी थे, लेकिन जब से विकास डेवलपमेंट के नाम पर हमने और आपने चीजों को देखना शुरू किया है, लेखक बता रहे हैं कि तब से मेरे घर के आसपास में वो परिंदे, वे चरिंदे, सारे के सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके चले गए। मैं हमेशा मेरी क्लास में कहता हूं कि हमारे घर में यदि सांप आता है, हमारे घर में यदि बंदर आता है, हमारे घर में यदि कोई जानवर आता है, तो वो इसलिए नहीं आता कि वो आपको खाना चाहता है, वो इसलिए नहीं आता कि आपको परेशान करना चाहता है, वो इसलिए आता है क्योंकि आप उसके घर में बैठे हुए थे। जहां कभी उसका घर था आज वहां आप कब्जा कर गए, जहां कभी उसका घर था आज वहां पर आपने कब्जा कर लिया है। इसलिए लेखक हमें बताना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है इस बात को समझना, जो लेखक समझ रहे हैं कि विकास ने, बस्तियों के विस्तार ने, द डेवलपमेंट ऑफ योर सिटी, इस सब ने परिंदे को उसका घर से दूर कर दिया, दूसरे जानवरों को जंगल से दूर कर दिया। अब समुद्र के किनारे बस्तियां बन गई है, इन बस्तियों में लोग रहते हैं, लेकिन इनके बहुत से लोग जो जीव जंतु पशु पक्षी चरिंदे परिंदे थे, वे अपना घर छोड़ करके चले गए हैं, और चले गए तो यहां वहां डेरा डाल चुके हैं। लेखक बता रहा है कि ऐसा ही एक कबूतर का जोड़ा जो मेरे घर के भीतर आकर के क्या करता है, डेरा डाल लेता है। डेरा डालने का मतलब है रहना, वहां आकर के अपना घर बना लिया है, वहां रहता है। जब कोई कबूतर या कोई पक्षी, कोई तोता मैना आदि चीजें जब आपके घर के आसपास आते जाते हैं तो टट्टी पोटी कर देते हैं, उनके पंख गिरते हैं, गंदगी होती है। इसलिए लेखक कहता है कि ये घर उनकी गंदगी से परेशान होकर के, मेरी जो पत्नी है, उनकी अपनी जो पत्नी है, वो तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। लेखक को परेशानी नहीं है, वे दिन में कई बार आते जाते हैं, आते जाते वक्त लेखक ये कह रहा है कि ये क्यों ना आए जाएं, ये घर तो उनका भी है ना, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये घर उनका भी है। कभी कभी लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, गालिब और मिर्जा को किताबों को सताने लगते हैं, मतलब किताबों में घुस जाना। इन सबसे परेशान होकर के मेरी पत्नी ने वहां पर आशियाना जो था उनका, उसमें एक जाली लगा दी है। सर, जाली लगाने का मतलब क्या है? जाली लगाने का मतलब ये है कि उनके आने जाने पर अब पाबंदी लग गई है, वे आ जा नहीं सकते, अब वे कहीं ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, यदि वे फंस गए हैं तो। लेखक कह रहा है कि उनके आने की खिड़की को भी हमने बंद कर दिया, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश उदास बैठे रहते हैं, मगर अब कोई सुलेमान नहीं है, कोई सुलेमान नहीं है, कोई शेख अयास का पिता नहीं है जो उनकी बात को सुन सके, उनकी बात को समझ सके, अब कोई नहीं है, लेखक की माँ भी नहीं है जो उनकी जुबान समझ के उनके दुख को बांट सके, या उनकी माँ नहीं है जो उनके दुखों में रोजा रख सके, नमाज पढ़ सके। लेखक ने फिर से एक शायरी, एक शेर यहाँ पे कहा है, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। नदियां खेत को सींचती है, तोता आम कुतरता है, तोते के आम को कुतरने के बाद ही ये कहा और जाना और माना जाता है कि आम पक गए हैं, आम में मिठास आ गई है। सूरज ठेकेदार सा, सूरज जब स्वर उगता है, उदय होता है, तो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, ये सब सृष्टि का नियम है।
सब अपना काम कर रहे हैं, केवल इंसान है जो अपने काम को ना करते हुए, केवल इंसान है जो एक दूसरे के घर को, एक दूसरे की खुशियों को छीनने का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के पूरे पाठ का सार ये है, पूरे पाठ का अर्थ ये है कि लेखक हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में हमारे और आपके आसपास कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ चेंज हो गया है, कितना कुछ हमने खो दिया है, कितना कुछ हमने तबाह कर दिया है। पहले हमारे और आपके आसपास में जो एक दूसरे के दुख को समझने वाले लोग थे, अब वो खत्म हो गया, अब वो नहीं रहा जो पहले था। लेखक अपनी माँ का उदाहरण देते हैं, लेखक सुलेमान का उदाहरण देते हैं, लेखक नूह का उदाहरण देते हैं, लेखक शेख अयास का उदाहरण देते हैं। इन उदाहरणों से लेखक हमें ये समझा रहे हैं कि ग्वालियर से बंबई के बीच की दूरी में बदलाव आ गए हैं, पशु पक्षी हर किसी के घर को हमने छीन लिया है, छोटे छोटे कबूतर जो अपने अपने घरों में थे उनको हमने बेघर कर दिया है। जब वे कहीं रहने के लिए आते हैं तो हम उससे भी उनका घर छीन लेते हैं। अर्थ यही है कि लेखक हमें ये समझाना, ये बताना चाह रहा है कि बिना किसी भेदभाव के नदियां, तोते, प्रकृति, पशु पक्षी अपना काम करते हैं, केवल इंसान है जो भेदभाव के साथ जीता है, जो भेदभाव के साथ दूसरों के जीवन को इनडायरेक्टली कहूं तो तबाह ही कर रहा है। तो लेखक ने इसके भीतर में अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग उपलब्ध नहीं है ये बात कही है। लेखक ये बता रहे हैं कि पहले प्रकृति में सहन शक्ति थी, अब भी है, बहुत समय समय पर अपने उदाहरण वो जरूर देती रहती है, लेकिन अब हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसा पहले देखते थे। उदाहरण कौन कौन से दिए हैं? सुलेमान का, शेख अयास, महाकवि शेख अयास के पिता का, और नूह पैगंबर का, और अपनी माँ का। ये चार अच्छे उदाहरण हैं। अच्छे उदाहरण का मतलब ये चार उदाहरण हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं, और अपनी पत्नी का उदाहरण दिया है जो उनके दुख को, उनके उनके घर को ना समझ करके उनके लिए जाली लगा देती है। दूसरा, लेखक कहते हैं कि सृष्टि सबकी है लेकिन मनुष्य नाम के प्राणी ने इस पर बंटवारा कर दिया है, डेवलपमेंट के नाम पर, कॉन्क्रेटाइजेशन के नाम पर पेड़ पौधे नदी जंगल तालाब सब कब्जा कर लिया है। इससे बचने के लिए लेखक आपको आगाह करने के लिए एक उदाहरण देते हैं, मुंबई का मुंबई में जो तूफान आया था, समुद्र में अचानक से तूफान आया, 3 बड़े बड़े जहाजों को उसने गेंद की तरह उठा करके फेंक दिया, यानी समुद्र की मर्यादा को, समुद्र के एक शब्द है उसकी सहनशीलता को आप कब तक परखोगे? जिस दिन उसकी सहनशीलता की सीमा टूटी आपको आपकी औकात दिखा देगा। कोरोना, तूफान, सैलाब, सुनामी, भूकंप, ये यही है, बर्फों का पिघलना, केदारनाथ की तबाही, ये सब कुछ इसका प्रतीक है कि सीमा से बाहर निकलोगे तो प्रकृति आपको सीख देने से पीछे नहीं हटेगी। इस पाठ के जो प्रमुख प्रश्न है, उन प्रमुख प्रश्नों में कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं वो है, प्रकृति की सहन शक्ति की सीमा होती है इसे तैयार कर लेंगे, और लेखक ने अपनी माँ का उदाहरण किस रूप में दिया है ये है, शीर्षक से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, तो शीर्षक से स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। डेरा डालने से क्या अर्थ है? मुझे याद है कि ये प्रश्न आया हुआ है, तो डेरा का अर्थ होता है अस्थाई, टेम्पररी घर, कि कब कौन तोड़कर निकल जाए, कब कितने दिन रहना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेखक ने यहां पर क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि जब वो घरों को आप देखते हैं तो आप तोड़ के अपना घर बना लेते हैं। शेख अयास के पिता का उदाहरण क्यों दिया है? इंसानियत को, दूसरों के दुख को समझने के लिए। लेखक की माँ पूरे दिन भर रोजा क्यों रखती है? क्योंकि उनसे गलती से अंडों को बचाने के चक्कर में अंडा टूट गया। आप पूरा विस्तार के साथ में लिखेंगे, लेकिन जीस्ट ये समझिए कि
वो अंडों को बचाने के लिए जब कई अंडा टूट गया, कबूतरों के फड़फड़ाने की परेशानी को देख करके उनकी माँ को दुख हुआ और उनके दुख में अपनी गलती को मानने के लिए उन्होंने पूरे दिन भर का रोजा रखा। लेखक के ग्वालियर से बंबई तक के बीच में क्या बदलाव आया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि कौन कौन से बदलाव की बात लेखक ने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकृति में असंतुलन के कारण क्या परिणाम आए हैं, तो भयानक गर्मी होना, सर्दी में गर्मी, गर्मी में बरसात आदि आदि आदि, भूकंप, सैलाब, तूफानी, रोज नई नई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं और मानव का जीवन कठिन होता जा रहा है, ये याद रखेंगे। लेखक को माने कौन कौन से उदाहरणों से प्रकृति के महत्व को समझाने की कोशिश की है, तो शाम के वक्त तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, दरिया के पास जाओ तो उसे सलाम करो, मुर्गे को परेशान मत करो, कबूतर को परेशान मत करो, ये उदाहरण याद रखेंगे। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए याद किए जाएंगे। वैल्यू बेस्ड प्रश्नों में ये याद रखेंगे कि लेखक ने पूरे पाठ के माध्यम से संदेश क्या दिया है, पूरी सीख क्या दी है। तो ये था हमारा आज का पाठ। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। यदि इस पाठ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रश्न आपके पास है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम मेरी ये कोशिश है कि आप तक सरल शब्दों में पूरा का पूरा पाठ पहुंच जाए, और यदि अभी भी नहीं समझा, कोई भी डाउट है, दिल खोल करके लिखो, हम दोबारा से और सरल शब्द में इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि अन्य लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए, सो बिना किसी झिझक के आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और शेयर करके उन्हें भी इससे लाभान्वित करवाएं। पाठ में बहुत गंभीरतापूर्ण बातें दी गई हैं और मैं हमेशा मेरे बच्चों से कहता हूं, केवल नंबर लाने तक इस पाठ को मत समझना। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, CBSE के अंतर्गत जो ये पाठ डला हुआ है, निदा फाजली साहब का लिखा हुआ है, ये केवल अंक लेने तक सीमित नहीं है, ये जीवन के भीतर अपने भावी जीवन को गंभीरता से लेने के लिए, आपको आगाह करने के लिए लिखा गया है। पहले लोग दूसरों के दुख को समझते थे और आज नहीं समझते, इसलिए समझिए। बढ़ती हुई आबादी से पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है समझिए। प्रकृति को नुकसान जो पहुंचा रहे हैं उससे क्या नुकसान होगा समझिए। एक दूसरे के प्रति, इंसान इंसान का नहीं, इंसान अन्य प्रकार के जीवधारियों को भी समझे, इसलिए ये पूरे पाठ को लिखा गया है। सल्यूट टू निदा फाजली जी, जो उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण विषय को आप तक पहुंचाया है। सल्यूट टू CBSE, जो उन्होंने आपको इसे पढ़ने के लिए बोला है, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा जब इस पाठ को आप समझेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले किसी नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अभ्यास करते रहें। जय हिंद।